सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टेकटॉक्स की फ्रेश एपिसोड में और लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले पुराने पोल को लेकर। दोस्तों सवाल ये था कि क्या आपको लगता है कि पोको भैया आएगा, तो आप ऐसे बोला 85% ने जी हाँ जरूर आएगा, बाकी बोलते हैं नहीं यार लगता तो नहीं है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों खैर आप जानते ही हैं कि पोको 100% आने वाला है, बिकॉज आज दोस्तों मिला आपको एक वर्ल्ड एक्सक्लूसिव वीडियो, मतलब दुनिया में, पूरी दुनिया में, पूरे इंटरनेट पे पहली बार ऑफिशियल अपडेट Xiaomi की तरफ से कि पोको जो है उसका क्या होने वाला है फ्यूचर में। बिकॉज पोको जो है दोस्तों वो भी एक सेपरेट ब्रांड की तरह फंक्शन करने वाला है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी होगी। और ऐसे में दोस्तों इंडिया में 2020 में पोको की तरफ से हमको स्मार्टफोन्स देखने को मिलेंगे, ये बात आपको सबसे पहले कहाँ मालूम चली, इधर मालूम चली। बिकॉज यहाँ पर दोस्तों ताकत है, आप सभी जो दोस्तों चैनल को पसंद करते हैं, हम जो दोस्तों मिलके एक लेके आते हैं साथ में ताकत, उसी के चलते आपको ऐसा एक्सक्लूसिव कंटेंट जो है वो मैं हमेशा लेके, मतलब जो है वो दे पाता हूँ वीडियोस के फॉर्म में। फिर चाहे दोस्तों वो Mi Mix Alpha का हैंड्स ऑन हो, जो कि एक एक्चुअल हैंड्स ऑन था, बंदा खैर आप जानते हैं क्या दोस्तों सीन है। लेकिन आजकल ना लगता है मुझे कि एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव वर्ड और मतलब कुछ भी एक ज़्यादा ही चलन में हो गया है। लेकिन असली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है वो दोस्तों, अगर आप टेक्निकल गुरुजी चैनल के व्यूअर हैं, जो कि खैर आप हैं ही, तो आप बेहतर समझते होंगे। और ऐसे में यार दोस्तों आपके प्यार की ही और ज़्यादा ज़रूरत है। मैं क्योंकि कोशिश करता रहता हूँ कि जितना हो सके मतलब बस आपके लिए बेहतरीन एक से बढ़ के एक वीडियोज़, ऐसी वीडियोज़ जो मतलब थोड़ी हटके हों, थोड़ा डिफरेंट हों, वो आप तक पहुँचा पाऊँ। एक्सक्लूसिव भी होती है बीच बीच में। बहुत बार हमने खैर ऐसा काम किया है कि लॉन्च से पहले ही आप तक बहुत बार जो है वो खबरें मैं ला के दे देता हूँ, फिर चाहे वो किसी स्मार्टफोन के लॉन्च की हो दोस्तों, किसी और बात की हो। थोड़ा ज़्यादा ही बोल दिया आज, बट खैर एक ही बात है, आपको पता होना चाहिए। खैर आप समझते हैं, लेकिन शायद सबको समझना बहुत ज़रूरी है कि वाकई में एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों खैर अगर हम बात करते हैं आज के पोल की, तो पोल ऐसे में ये है कि आपके हिसाब से दोस्तों ये जो पोको का भैया नया स्मार्टफोन होगा, अब खैर जो भी होगा, वो क्या लगता है कब तक लॉन्च हो जाएगा? अगले एक महीने में, अगले दो महीने में, अगले तीन महीने में, या फिर अगले चार महीने के अंदर अंदर? मुझे तो खैर मालूम है डिटेल्स, मैं आपसे खैर फिलहाल अभी शेयर नहीं कर पाऊंगा। लेकिन दोस्तों आप बताइए कि आप जो है वो क्या गैस करते हैं ऊपर दिए गए पोल में, नीचे कमेंट्स में, और सभी बातों को ऐसे साथ में दोस्तों मिलाते रहिए, अपने प्यार की ताकत से सजाते रहिए वीडियो को, दबा दबा के, जोर लगा लगा के लाइक बटन को। दोस्तों बात करते हैं पहले वीडियो को लेकर, निकल के आता है यहाँ पे Amazon इंडिया की तरफ से। और Amazon बताते हैं कि यार जो ऑनलाइन अभी उन्होंने टीवी बेचे हैं 2019 में, उसमें से 80% दोस्तों टीवी बिके हैं वो स्मार्ट टीवीज हैं, और सैमसंग और LG जो है दोस्तों वो रहे हैं टॉप ब्रांड्स में शामिल, जो कि खैर ऑफकोर्स होना ही है। बिकॉज हालांकि फोटो में होंडा का टीवी बता रही मुझे क्यों दिख रहा है, लेकिन खैर जो भी है, स्मार्ट टीवीज आजकल बहुत ज्यादा बिक रहे हैं। आप जो है क्या वो टीवी यूज करते हैं कि नहीं, नीचे मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। दोस्तों बात करते हैं अगले बिल्कुल लेके, निकल के आता है यहाँ पे Huawei P40 Pro को लेके। मैं दोस्तों आपसे बात कर रहा था यहाँ पे 52 मेगापिक्सल के इसके मेन कैमरा को लेके, जहाँ पे अभी खैर मालूम ये चलता है कि इसमें हमको मिलेगा 16:1 पिक्सल बिनिंग वाला कुछ ऐसा सीन, जहाँ पे अगर मैं आपसे बात करता हूँ एक्सट्रीम लो लाइट सिनेरियोज की, फिर भी जो फोटोज हैं वो काफ़ी अच्छी मिलेंगी, बिकॉज जो पिक्सल साइज है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हालांकि कैलकुलेशन के हिसाब से ये करीब 3.25 मेगापिक्सल का होगा, लेकिन खैर फिर भी अगर फोटो आप जो है वो अच्छी वेल लिट ले पाए तो शायद इमेज क्वालिटी थोड़ी सी हम एनहांस कर पाए, फिर क्या पता उसको बाद में अपस्केल भी कर दें। बात दोस्तों करते हैं यहाँ पे अगले बिट को लेकर, निकल के आता है यहाँ पे एप्पल के A14 चिप को लेकर, जो कि हमको देखने को मिल रहा है भैया अभी इस साल के अपकमिंग आईफोन्स में। तो मालूम ही चलता है कि भैया ये 15 इंच का मैकबुक प्रो, जो कि ये मेरे अपने पास में है दोस्तों लैपटॉप, इतना पावरफुल होने वाला है प्रोसेसर, क्या आपको ये बात सुन के हजम हो जाती है क्या? खैर मुझे तो नहीं हो रही है। देखते हैं एग्जैक्टली कि भाई एप्पल क्या जो है वो प्लान करता है इसी A14 चिप के साथ में, नहीं A14 बायोनिक चिप के साथ में। बात दोस्तों करते हैं यहाँ पे अगले वीडियो को लेकर, निकल के आता है यहाँ पे इंडिया की कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-30 के लॉन्च को लेके। लॉन्च दोस्तों बिल्कुल सक्सेसफुल हो चुका है, इसरो ने बात हमको बता दी है, सैटेलाइट जो है वो अपने ऑर्बिट में पहुंच चुकी है, काफ़ी अच्छी बात है। उम्मीद करते हैं जो कम्युनिकेशन हैं वो आगे और बेहतर होते रहेंगे और इसरो इसका सबसे बेहतर अच्छा सदुपयोग जरूर करेगा। दोस्तों बात करते हैं अगली खबर को लेके, तो ऑनर इंडिया जो है इसके
से दोस्तों जो प्रोडक्ट्स आपने देखे थे रिसेंटली लॉन्च हुए थे, जहां पे दोस्तों बात कर रहा हूँ ऑनर मैजिक वॉच 2 की, जिसकी शुरुआती कीमत जो है 46mm वेरिएंट के लिए वो है 12,999 रुपए, जिसके साथ में खैर आपको एक ब्लूटूथ ईयरबड भी मिलेगा फ्री अगर दोस्तों आपको खरीदते हैं, और साथ में जो बैंड 5i है जिसकी कीमत है 1,999 रुपए। तो यहाँ पे दोस्तों ये जाने वाले हैं सेल पे कल यानी कि 18 जनवरी से, तो ये एक अच्छा मौका होगा अगर आप कुछ स्पेशल डील्स का फायदा उठाना चाहते हैं तो इसी ऑनर मैजिक वॉच 2 और ऑनर बैंड 5i को खरीदने का अमेज़न पे। दोस्तों बात करते हैं अगले बिट को लेकर निकल के आता है यहाँ पे एप्पल की तरफ से, और खबर हो रही है यहाँ पे भैया एक टच स्क्रीन वाले मैकबुक की। हालांकि टच बार मिला है हमको भैया पिछले कुछ सालों से, लेकिन ऐसे में दोस्तों अभी शायद एप्पल फ्यूचर में एक टच स्क्रीन वाला मैकबुक लेके आ सकता है। कि मैं लैपटॉप्स में ना पता नहीं क्यों टच स्क्रीन को इतना ज़्यादा खैर मतलब इंपॉर्टेंट मानता नहीं हूँ, अनलेस वो घूम फिर के भैया टैबलेट वगैरह पता नहीं क्या कुछ बन जाए, बाकी कर देखते हैं एप्पल क्या ऐसा करता है या नहीं। अगला दोस्तों अपडेट निकल के आता है यहाँ पे भैया अगेन पोको को ही लेके, वो तो खैर आप जानती हैं दोस्तों खबर क्या चल रही है, पोको जो है वो बन गया है एक सेपरेट ब्रांड, एक कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ब्रांड की तरह फंक्शन करने वाला है। अगेन एक्सक्लूसिव खबर सबसे पहले आप तक मैंने ही दोस्तों पहुंचाई थी, बिकॉज ताकत जुड़ी है आप सभी के प्यार की हमारे इस चैनल में, और ऐसे में आगे भी ऐसा ही कमाल एक्सक्लूसिव कंटेंट असली हैंड्स ऑन के साथ में आप तक जरूर मिलता ही रहेगा। दोस्तों बात करते हैं अगले बिट को लेकर निकल के आता है यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी जेड फ्लिप दोस्तों होगा स्मार्टफोन, उसी के एक प्राइस लीक को लेके जो बताता है कि उसकी कीमत है वो कुछ 860 से $1,300 के बीच में हो सकती है, यानी कि गैलेक्सी फोल्ड जो है उससे कुछ आधी कीमत में आने वाला है यही नया फोल्डिंग स्मार्टफोन। देखते हैं एग्जैक्टली ये कैसा होता है, कब आता है, क्या कुछ साथ में लेके आता है। खैर अगेन इसका भी जो वीडियो है इंडिया में सबसे पहले किधर मिले तो बस इधर ही मिले, अनबॉक्सिंग तो खैर सबसे पहले इधर ही मिलेगी, हाँ बस वो थोड़ा टाइम जोन का ऊपर नीचे होगा बिकॉज यूएस में सुबह लॉन्च है, इंडिया में रात के उस टाइम पे हो जाएंगे 12:30 जब लॉन्च शुरू होगा, फिर और डेट लेट लेट, तो आई थिंक 12 तारीख की सुबह ही इंतजार करना फरवरी के महीने में। उसमें बात करते हैं अगले बिट को लेके निकल के आता है यहाँ पे ऐसे में वावे के एक ऐसे स्टेटमेंट को लेके जो कि दोस्तों आता है वावे के एग्जीक्यूटिव की तरफ से, जो बताते हैं कि भैया 2019 के एंड में हम देखेंगे $150 की कीमत में आने वाले 5G स्मार्टफोन्स, यानी कि कुछ 10,000-13,000 की कीमत में हम जो है वो 5G फोन्स देख पाएंगे। ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट है, देखते हैं वाकई में क्या ये सच हो पाता है या नहीं। अगली खबर निकलती है अभी गूगल पिक्सल 4a 4a XL को लेके, तो मालूम ही चलता है कि भैया ऐसे में जो 4a है वो तो आएगा स्नैपड्रैगन 730 के साथ में, 4a XL जो है वो आएगा 5G को सपोर्ट करता हुआ और यहाँ पे लगा होगा स्नैपड्रैगन 765G प्रोसेसर। अभी एग्जैक्टली ये शायद गूगल आयो के टाइम पे गूगल लॉन्च करेगा मई के महीने में, मैं तो खैर उसके लिए भी ट्रैवल करूंगा ही, लेकिन फिर मेरा बर्थडे भी आता है बीच में, लेकिन खैर जो भी होगा आपके लिए कोशिश करूंगा इनको भी कवर करने की, इंडिया में आए या ना आए वीडियो तो आपको मिल ही जाएगा, जैसे कि आपको गूगल पिक्सल 4 का मिला था अनबॉक्सिंग वीडियो इंडिया में सबसे पहले इकलौता सबसे पहले, हाँ जरूर। दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट को लेके, तो ऐसे में ये एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है जहाँ पर दोस्तों हम जानते हैं कि जो जेफ बिसस हैं वो फिलहाल अभी इंडिया आए हुए हैं और उन्होंने ये अनाउंस किया है कि 2025 तक अमेज़न इंडिया जो है वो 1 मिलियन नए जॉब्स क्रिएट करेगा। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे कुछ 7 लाख जॉब्स जो हैं वो ऑलरेडी अमेज़न ने क्रिएट किए हैं 2013 से, लेकिन ये उससे और हटके होगा 1 मिलियन नए नौकरियाँ। बहुत अच्छी बात है यार, ग्रोथ में जरूर बहुत फायदा होगा अगर आपसे बात करता हूँ अमेज़न के इसी इनिशिएटिव को लेके। बात करते हैं अगली खबर के बारे में, तो भैया ऐसे में फेसबुक ने डिसाइड किया है कि व्हाट्सएप पे भैया वो ऐड नहीं बेचेंगे, बहुत ही नेक कदम उठा लिया है फेसबुक ने, उम्मीद करते हैं कि ये इस पे कायम रहे टिके रहे, मतलब मैं नहीं चाहूंगी मेरे व्हाट्सएप पे भैया ऐड जो है वो आए दन दरा दन दन सामने कहीं स्टेटस पे पता नहीं कहीं कहीं से। फिलहाल ये तो बोला है कि हम जो है वो इस पर एड्स नहीं सेल करने वाले हैं, आगे देखते हैं कहीं हृदय परिवर्तन ना हो जाए थोड़ा नेगेटिव साइड में। यहाँ पर दोस्तों लास्ट खबर निकल के आती है अल्फाबेट को लेकर, दोस्तों जो गूगल की पेरेंट कंपनी है वो बन गई है दोस्तों ऐसे में चौथी US कंपनी जिसने $1 trillion की भैया मार्केट वैल्यू को क्रॉस कर लिया है। इससे पहले दोस्तों यहाँ पे ये काम एप्पल माइक्रोसॉफ्ट अमेजोन कर चुके हैं, अल्फाबेट बन गई है चौथी कंपनी, देखते हैं लिस्ट में आगे किसका नाम शामिल होता है। दोस्तों बस फिलहाल में इतना ही, देखने के लिए आपको धन्यवाद, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपका कोई सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा, अगर आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी ही काफी कमाल इंटरेस्टिंग टेक न्यूज लेके आता रहता हूँ। इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।